और इस वक्त आपको बता दें कृषि मंत्री कुछ बोल रहे हैं, आइए सीधे आपको वहीं ले जाएंगे। लेकिन उनकी चिंता ये थी कि कुल मिला के एपीएमसी के भीतर टैक्स होगा और बाहर जो है ट्रेड होगा उस पर टैक्स नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य सरकार प्राइवेट मंडी को भी रजिस्टर्ड कर सकती है और उस पर वो टैक्स लगा सकती है जैसा कि अंदर लगा हुआ है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आपका समाधान हो सकता है। न्यायालय के जो बात थी तो हमने कहा आपको लगता है एसडीएम के न्यायालय में समाधान नहीं हो पाएगा, तो हम जुडिशली के रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते हैं। जो ट्रेडर है आप कहते हैं पैन कार्ड से खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार कर सकती है। पराली के वाले में हम लोगों ने कहा कि भाई वो जो ऑर्डिनेंस है उसका हम समुचित समाधान आपके हिसाब से करेंगे। बिजली के मामले में उनका जो आग्रह था तो उस मामले में भी हम लोगों ने उनको कहा कि भाई कुल मिला के जैसी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था रहेगी और हम लोग उस दिशा में बातचीत करेंगे। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं, इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। क्या किसानों ने अपनी तरफ से कि बिल वापस होगा तभी बातचीत आगे बढ़ेगी? टिकैत जी का भी आज एक वक्तव्य आया जिसमें उन्होंने कहा है कि थोड़ा सरकार पीछे हटे थोड़ा हम, वो बिल वापस लेंगे हम घर वापस जाएंगे। आपको लगता है जो आपने इतने समाधान दिए हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है? ये मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून मैं जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। सर संसद में पास होने के बाद कार ले सकती है और अगर ले सकती है उसका कोई प्रोविजन है? और इससे महत्वपूर्ण सवाल कि सरकार क्या सोचना भी चाहती है कि इनमें से कोई कानून वापस हो जाए? नहीं देखिए, सवाल इसका है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो बरसों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें फायदे की खेती कर सकें इस नियत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं हैं, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार तैयार है डेट लेंगे क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी किसानों के प्रति है पर आम आदमी के प्रति भी है जिसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से। अब तो किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि वो इंटेंसिफाई करेंगे अपनी इस एजिटेशन को। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लीडर्स को और किसानों को कहना चाहता हूँ कि आंदोलन जब होता है तो किसानों को भी परेशानी हो रही है, सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं और लीडर्स जो है उसमें बढ़कर जो नेतृत्व करना चाहिए और किसानों के हित की बातों को डिस्कस करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई गतिरोध
शायद होगा जिसके कारण वह बात नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है, इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। सर, रेल रोकने का भी उन्होंने रूटीन लिया, आपको लगता है सरकार के पास कोई प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव एक्शन है ताकि जनता को भी परेशानी ना हो और ये आंदोलन उस तरीके से डैमेज ना करें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को और रेल ना रुके? नहीं, मैं आशा करता हूँ कि किसान भाइयों ने अभी तक आंदोलन को अनुशासित बनाकर रखा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और जनता की परेशानी ये ना हो, यह भी चिंता यूनियंस को करनी चाहिए और इस जिम्मेवारी को भी यूनियन को महसूस करना चाहिए। तो सरकार अभी तक डायलॉग का रास्ता अपनाए हुए है, उन्होंने कहा है कि जितना भी हो सके हम किसानों से डायलॉग करते रहेंगे, हमारे रास्ते खुले हैं, पर भय बिनु होए ना प्रीति, क्या सरकार इसमें विश्वास कर रही है आज के टाइम में? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है, लोकतंत्र में भय का कोई सवाल नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार, जनता, किसान सब एक दूसरे के पूरक हैं और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम कृषि के क्षेत्र में किया है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। MSP को 1.5 गुना करने का काम था, UPA सरकार चाहती तो 10 साल में कर सकती थी, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाई। मोदी जी ने लागत पर 50% मुनाफा लगाकर MSP घोषित करने का काम किया और उसका फायदा पूरे देश भर के किसानों को मिल रहा है। MSP खरीद की सीमा पर खाद्यान्न की सीमा भी बढ़ाई और इस बीच में उपार्जन लगभग दोगुने से अधिक हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में। अगर UPA गवर्नमेंट को देखेंगे और मोदी जी के 6 साल देखेंगे तो लगभग दोगुने से ज़्यादा की खरीद मोदी जी के समय में MSP पर हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में 10,000 FPO बनाने का काम देश भर में चल रहा है, जिसमें 6,850 करोड़ रुपया मोदी सरकार खर्च करने वाली है। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे, खेती फायदे का धंधा बने, किसान के अपने उत्पादन को रोकने की क्षमता उसकी बढ़ सके, वाजिब मूल्य मिले उसका वो इंतजार कर सके, इसलिए गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, वैल्यू चेन विकसित हो, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने 1,00,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का काम किया है, जिसमें लगभग 1,500 करोड़ रुपया अभी नीचे छोटी पैक्स को प्रोजेक्ट के लिए जारी भी कर दिया है। इन सब चीज़ों का निश्चित रूप से फायदा आने वाले कल में मिलने वाला है। कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके लिए भी, चाहे फिशरीज हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे हर्बल खेती हो, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, मधुमक्खी पालन हो, सबके लिए आत्मनिर्भर पैकेज में मोदी सरकार ने प्रावधान किया है और इसका सबका फायदा आने वाले कल में किसानों को ही मिलने वाला है। और ये जो रिफॉर्म आए हैं, इन रिफॉर्म में ट्रेड बिना टैक्स के होगी तो इसका फायदा भी किसानों को मिलेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बिचौलियों की समाप्ति होगी और किसान को अपने उत्पादन के वाजिब दाम मिल सकेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बुआई के समय ही उसको फसल का उचित मूल्य जिस पर वो करार कर सके इसकी गारंटी मिल सकेगी। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, किसान अच्छा बीज और अच्छे पेस्टिसाइड का उपयोग करेगा, वो वैश्विक मानकों के अनुरूप खेती कर सकेगा, अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा सकेगा जिससे उसका उत्पाद एक्सपोर्ट भी हो सकेगा, प्रोसेसिंग भी हो सकेगी और इससे किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। सर, MSP का एक मुद्दा है, है और नहीं है तो क्या लीगल सरकार उसे कर सकती है? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है, MSP का इन कानूनों से कोई ताल्लुक नहीं है और MSP के मामले में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मैंने भी लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर जनता को आश्वस्त किया है। सदन में
बोलना वो एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब सरकार की नीयत को प्रदर्शित करता है, और उससे ज़्यादा पावरफुल डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता है सरकार की जबान का और कोई नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने फ्लोर पर भी आश्वस्त किया, MSP चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी, MSP को 1.5 गुना बढ़ाने का भी काम हमने किया है, खरीद को भी बढ़ाया है, और इस बार देखेंगे तो 17% अधिक खरीद हुई है, और पंजाब में तो 25% अधिक खरीद हुई है। तो MSP पर किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। सर, एक बड़ा मुद्दा उठता है, क्योंकि आपने इतने दौर की बातचीत की, कभी कभी लगा कि किसान यूनियन तैयार भी हैं बातचीत के लिए, उन्हें पॉजिटिविटी के साथ बाहर आए वो, पर कुछ हल नहीं निकला। आपको लगता है इन आंदोलन के पीछे कुछ और है? बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आई हैं, हरियाणा CM की भी आई है कि असामाजिक तत्व हैं, हमने शर्जिल इमाम के पोस्टर्स वहां देखे हैं, हमने खालिस्तान का बैनर वहां देखा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ और ताकतें हैं जो सुलह नहीं होने दे रही हैं? मैं इस मामले पर तो कुछ अभी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, लेकिन किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूँ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.